सारी दुनिया का बोझ उठाते हैं, तुम्हारा भी उठा लेंगे। भाई भाई, हम सबका बोझ उठाते हैं, हमारा बोझ कौन उठाएगा भाई? हमें इस बार एक ऐसे यात्री को लूटना होगा जो हमारी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी बॉस। बात में तो तेरे दम है यार, कब से छोटी छोटी चोरी कर करके थक गए यार। अभी कुछ ऐसा करना होगा कि एक ही बार में अरबपति बन जाए। तो मैडम क्या सेवा करें आपकी? अरे ये मेरा सामान ना ऑटो में रख दीजिए। हाँ क्यों नहीं मैडम, यही तो उठाने के लिए हम धरती पर पैदा हुए हैं। अरे तो पैदा ही सूटकेस में हुआ था। ध्यान से मैडम, क्या है इसमें? पूरे मोहल्ले के कपड़े लेके आए हैं क्या आप? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं ना यहाँ अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने आई हूँ, तो बैग में सारे ज्वेलरी कपड़े ये सब रखा है। अरे तुम ना चोर टाइप्स लग रहे हैं, बस आप दोनों ही थोड़े शरीफ लगे। शरीफ और हम? एक्चुअली मैडम, शहर में कोई भी विश्वास करने लायक इंसान नहीं है। सही बोल रहे हैं आप। अरे मैडम, आजकल तो आपको पता है क्या होता है, कुछ कूली आते सामान लेते और खुद गायब हो जाते। What? ऐसे कैसे यात्री लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि कोई उनका सामान रखो चक्कर कर ले। आपको यकीन नहीं हो रहा है? आपको डेमो दिखाओ। हाँ डेमो दिखाओ। चलो, एक ऐसी ही ऑटो आती है, फिर ऑटो में यात्री का सामान रखा जाता है। फिर क्या होता है? फिर ऐसी बैठा जाता है। फिर क्या होता है? फिर बाय बाय। ऐसे ही बेवकूफ बनते होंगे लोग। अरे भैया हमारा बस चले तो हम तो प्लेन भी लूट ले। लेकिन क्या है कि सामान फेंकेंगे तो टूट जाएगा ना। हम चोरी के मामले में बापों के भी बाप है भाई। ऑटो रुको। क्या हो गया? अबे टिंडे, ये वाले कपड़े में हम अपने एरिया में जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि हम कूली है, समझा? सुने काम करते, अच्छा सा कपड़ा पहन के जाते अमीरों वाला, फिर दिखाते एंट्री। चल चल उतर। चल चल। हमारा पैसा गया। अब क्या करें यार, एक काम करते, पुराने प्लान पर चलते, वही लड़की पटाते। चल भाई, ऐसा कैसे चलेगा? बाहर कुली और अंदर अमीर। कभी कभी खुद को इस ड्रेस में देखता हूँ तो मुकेश अंबानी के बाद खुद का ही चेहरा नजर आता है। जरा धीरे बोल, प्रिया बाजू में रहती है, सुन लेगी। प्रिया की तो अगले हफ्ते शादी होने वाली है। बेटा शादी हुई नहीं, होने वाली है। और बेटा सोच, प्रिया अरबपति की एक लौती बेटी है, अगर उसकी शादी मेरे साथ हो गई तो हम दोनों की लाइफ सेट हो जाएगी, हम अमीर बन जाएंगे अमीर। यस, पैसा ही पैसा। ये टाइम पे प्रिया अपनी खिड़की पे आती है। ये वाली खिड़की? हाँ। सुन, अब मैं तुझे बताता हूँ कि इम्प्रेस कैसे करते हैं। हेलो, वो बिल गेट्स को बोल दो कि मेरा चेक पास कर देने। 250 करोड़ का चेक है, 250 करोड़ का। अरे यार अभी तो 500 करोड़ का किया था। क्या क्या बोला? 5-star होटल? मुझे सिर्फ 7-star होटल चाहिए, 7-star, वो भी दुबई के अंदर। अरे कितना इन्वेस्टमेंट है बताओ? सिर्फ 6,000 करोड़। अरे 7,000 करोड़ दूंगा, चलो डील पक्की होनी चाहिए। ओके बाय। ओ भाई, 200 करोड़ रुपए तेरे बाप ने भी कभी देखे? तो क्या बोला था बिल गेट्स? ए, बिल गेट्स को छोड़, इम्प्रेस हो गई वो मुझसे, इम्प्रेस। घंटा यार हो गया, अब बस 5 गिन और देख। चल, 1, 2, 3, 4, 5। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? 400 करोड़ की एंट्री मिसिंग है बुक में। अभी हर महीने ना तुम्हारे ही पगार में से 10-10 लाख रुपए काटूंगा, 10-10 लाख रुपए। अब जॉनी लीवर सर का फोन आएगा और मुझको पूछे कंपनी के शेयर के बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सॉरी सर। ये लो, आ गया फोन जॉनी सर का। हाँ भाई। क्या यार आकाश, मैं तुम्हारी कंपनी में शेयर लेना
चाहता था 60 करोड़ की मुझे मिली नहीं। अरे जॉनी भाई, हम बचपन के लंगोटिया यार है, कच्चे तक शेयर करते थे, आपको एक कंपनी के शेयर की पड़ी है। अरे हो जाएगा भाई, मैं हूँ ना भाई। हाँ यार करना है। वैसे आज तूने कौन से कलर के कच्चे पहने हैं? आज सुबह रेड कलर का पहना है। मैंने भी रेड कलर का कच्चा पहना है। भाई भाई सुनो ना, मेरे को भी बात करनी जॉनी भाई से। मैं बहुत बहुत बड़ा वाला फैन हूँ। जॉनी भाई मेरा पीए है ना, पीए आपका बहुत बड़ा फैन है, जरा बात कर लो। हाँ हेलो जॉनी भाई, सुनो ना, मुझे ना आपसे एक सवाल करना था, मेरी दिली ख्वाहिश थी। पूछ। अरे आपने एक मूवी की थी ना एंटरटेनमेंट, उसमें आपका नाम रसगुल्ला क्यों था? ए हबीबुल्ला, तेरे को तो मैं अभी बजाऊंगा। गुस्सा हो गए। अरे जॉनी भाई गुस्सा क्यों होते हो जॉनी भाई? अरे सुनो जॉनी भाई, एक्चुअली क्या है कि इसका जो बाप है ना वो हलवाई था, तो ये सबको मिठाई के नाम से पुकारता है। उसे समझा दे, सिखा दे हबीबुल्ला। ए सिखा दूंगा जॉनी भाई। चलो जॉनी भाई रखता हूँ, टेक केयर। यार मैंने तुमको कितने बार बोला है, ये ऑफिस के स्टाफ को घर पे मत बुलाया करो। फेस्टिवल का जो भी बोनस होता है, 2-4 करोड़ जो भी होता है, वहीं पे देकर निपटा लिया करो यार। एक्सक्यूज मी, मैं आपके ऑफिस की एम्प्लॉय नहीं हूँ। तो क्या ये नेशनल पार्क है? सीधा मेरे बेडरूम तक चल के आ गई। ओके फाइन। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली क्या हो गया कि वो मेरे 500 करोड़ का थोड़ा सा लॉस हो गया था ना, तो इसलिए थोड़ा टेंशन में था, गुस्से में आ गया था। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं आपकी पड़ोसी हूँ, लाइक मैं इधर ही रहती हूँ, सोचा आपसे आज मिल लूं। हाँ वो क्या है ना कि बिजनेस हमारा बहुत बड़ा है, तो इसलिए वक्त नहीं मिलता। बाय द वे हाय, आई एम प्रिया, प्रिया सिंघानिया। आई एम अंबानी। मुकेश अंबानी? अरे नहीं नहीं नहीं, आकाश अंबानी। मुकेश अंबानी तो इनके नीचे काम करते हैं। अच्छा? और उन्होंने इन्हीं का टाइटल चोरी किया। अरे इनको छोड़ो, इधर आओ। यार तुम कब से खड़ी हो, मैंने कुछ ऑफर ही नहीं किया। अरे नहीं नहीं, तो क्या लोगी, ताज की कॉफी या ओबेरॉय की चाय? नहीं यार वो आते थे, ठंडी हो जाएगी है ना। एक सेकंड, पिए। यस सर। मैडम के लिए चाय लेके आओ। ओके सर। वैसे मैंने देखा आपकी पहुंच बहुत बड़ी है, जॉनी वीवर से आप बात कर रहे थे। अरे ये तो कुछ नहीं, शाहरुख सलमान अक्की सब दोस्त है मेरे, वो मेरे पास आके एक का डबल करते। मिलाओ कभी। अरे मिला देंगे यार। ठीक है फिर मैं अब चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम याद आ गया। पापा को पता है हमारे सोसाइटी में एक बहुत ही अमीर आदमी आया है। हाँ तो पापा को पता है कि बचपन में ना जॉनी लीवर के साथ कच्चे शेयर करता था पापा। हाँ तो पापा अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान सबसे इसका कॉन्टेक्ट है। हाँ तो पापा मुझे नहीं पता, मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। प्रिया बेटी तुम्हारी शादी अगले हफ्ते होनी है, सभी रिश्तेदारों को पता है, इज्जत प्रतिष्ठा सब लूट जाएंगे हमारे। क्या यार पापा, आप अभी तक कैरेक्टर से नहीं निकले हो, आप मुझे एक अमीर खानदान की लड़की दिखा के अमीर खानदान में भेजना चाहते थे, और ये आकाश अंबानी बहुत अमीर है पापा। लेकिन बेटा वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक है? पापा वो बेस्ट है, और मुझे नहीं पता मैं इसी से शादी करूंगी। ठीक है पापा मैं रख रही हूँ। हाय सिमरन। हाय प्रिया। Have a seat. So how was your journey? क्या जर्नी यार, तुम्हारे शहर में आते ही मेरे को दो चोरों ने एक तो बेवकूफ बनाया और साथ में मेरा सामान भी चुरा ले गए, और उसमें जो ज्वेलरी थी जो मैंने शादी में पहनने वाली थी वो भी चली गई। What? हाँ तुम्हारी शादी के लिए तो आई हूँ मैं। लेकिन मैं तो शादी ही नहीं कर रही हूँ। क्यों? Dude, मैं यहाँ पे बहुत ही रईस अमीर अंबानी से मिल रही हूँ। What? Yes. अभी तेरी बहन अंबानी खानदान की बहू बनने वाली है, तू अपने सारे विशेष पूरे कर ले, मैं सारे पूरे कर दूंगी। इसका मतलब अब हमें लोखंडवाला से फर्स्ट कॉपी लेने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। गुजी जारा। पर सुनना, पहले मेरी वसूली करा जो मेरी ज्वेलरी गई है। कर दी छोटी बात, तू डबल ले लेना डबल। सही में बेस्ट हो जाएगा। पर ये सब छोड़, मेरे को अपने होने वाले पति से तो मिला, अभी मिलते चल पानी। भाई ये काम मेरे को नहीं करना है गरीबों वाला, मुझे ना अमीर बनना है भाई, ये सब काम मेरे को नहीं होता, मुझे और अमीर बनना है। अरे बेटा थोड़ा सबर कर, अभी तो हम करोड़पति बनने वाले। वो कैसे भाई? अरे यार मैं तेरी भाभी से शादी कर लूंगा और करोड़पति बन जाएंगे हम लोग, करोड़पति।
अभिनय, कितने बार बोला है घर के नौकरों को छुट्टी मत दिया कर, भी खुद ही काम करना पड़ रहा है ना। जी सर। आज खुशी का दिन है, आया बिल्कुल लल्लन टाप टाप, सोडा पानी नींबू के साथ क्या पी। कुली नंबर वन, कुली नंबर टू, तुम लोगों ने मेरे गहने चुराए ना, यार ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे को बेवकूफ बनाया। हाँ कुत्ते कमीने, अब पानी के नाम तक चुरा लिया मेरे गहने, तुम लोगों को मैं अभी बताती, तुम लोगों को मैं अभी बताती। हेलो पापा, पापा मंडप बुक कर दो, मैं इसी हफ्ते शादी करूंगी और करोड़पति से करूंगी, खूनी उनी से नहीं करूंगी मैं आ रही हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा मुझे, वो डेमो दिखाओ। सच में? अरे अभी डेमो दिखाता हूँ। कट, थोड़े से डायलॉग बस। साइलेंस 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 साइलेंस, मूड मूड, इट्स रोलिंग इट्स रोलिंग इट्स रोलिंग गाइस, एंड एक्शन। साइलेंस, मैं जा रहा हूं।